accountability. Tomorrow, if there is again violence, then you will see that how long will we tell people to be quiet? Today I have gone to SDM's office in Mohanpur. One of my candidates, his counting agent's ID cards were being delayed, so I said that, and he was under threat ki mujhe dar hai ki kuch ho jayega. Aaj aap jante ki Vishramganj mein kya hua, Amkali mein kya hua. To main gaya, ID card ready tha. Humne acche se 2 minute baat kiya with the SDM. We were about to leave, तब हमने CCTV कैमरा से देखा और तब आवाज़ निकला और हटा करके ऑलमोस्ट मैनी, मैं गिन भी नहीं सकता, बहुत लोग अंदर गए, SDM ऑफिस के अंदर घुसे, तोड़ फोड़ किया, हाथ में उनके पास आर्म्स था, हथियार थे, अटैक किया और उनका हमला टारगेट मैं था. ये ऑलमोस्ट एक घंटा चला. SDM के ऑफिस में मैं था, मेरे साथ श्रीराम था, एंथनी देवर्मा था, हम लोग सिर्फ 3-4 लोग ही थे, कैंडिडेट था. और जो आज हुआ है उससे क्लियरली दिखाया जाता है कि ये लोग प्री प्लान हमारे ऊपर अटैक करने आए. उनके पास हथियार था, उनके पास पूरा एजेंडा था. उन्होंने SDM के ऑफिस को बाहर से लॉक करके, अंदर से लॉक करके अंदर घुस गए वो लोग. अभी तक किसी को अरेस्ट भी नहीं किया गया. और अगर मैं ये फेसबुक लाइव नहीं करता तो शायद किसी को मालूम भी नहीं होता कि क्या होने वाला है. अगर मैं आज इसको फेसबुक लाइव नहीं करता तो रिएक्शन भी नहीं होता. आपने क्लियरली देखा है उस वीडियो में जो मैंने लाइव किया है कि पुलिस अपनी जगह में बैठी हुई थी, पुलिस के डंडे को लेकर हमारे लोगों को मारा गया, पुलिस के ऊपर भी आपने खुद देखा, ऑफिसर देखा कि हमारे लोग भी इंजर्ड थे. तो आई वॉन्ट टू आस्क वन थिंग, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जब SDM के ऑफिस में ही तोड़फोड़ होगा, जब मैं जैसा इंसान मैं ही सुरक्षित नहीं हो चुका हूँ, तो हमारे काउंटिंग एजेंट्स, हमारे वोटर्स, कोई भी किसी को वोट करो आप, BJP, CPM, IPFT, कांग्रेस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कैसा सीख रहे हैं. तो आज आपने देखा है कि ये एक्टिव गुंडागर्दी और माफियागिरी इन मोहनपुर SDM ऑफिस. एंड मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने अपने लोगों को फिर से कहा है कि कानून अपना हाथ में मत लीजिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, घर में जाकर बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा. लेकिन ये लोग डरा धमका कर ना पिपरा मोथा के चेयरमैन प्रद्युत मानिके को डरा सकते हैं, ना मेरा एजेंडा को डरा सकते हैं, ना असेंबली में मेरे खिलाफ कुछ भी बोलकर मुझे डरा सकते हैं, ना असेंबली के बाहर डरा सकते हैं. और मैं उनको क्लियर वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को मेरे साथ कुछ करना है तो सामने आकर पॉलिटिकली अटैक कीजिए, कानून को अपने हाथ में लेकर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तोड़फाड़ करके आपको कुछ नहीं मिलेगा. और अगर आपको लड़ना भी है तो इलेक्शन में लड़िए, इलेक्शन में कल जब रिजल्ट आएगा आपको मालूम पड़ जाएगा कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है. लेकिन आप डेमोक्रेसी को ऐसा स्कटल नहीं कर सकते. और अगर आपको मुझे डराना है तो ये आपने गलत तरीका निकाला प्रद्युत मानिकी को डराने के लिए. मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, प्रद्युत मानिकी इज रेडी फॉर एनी चैलेंज, ब्रिंग इट ऑन, बट यू विल नॉट स्केयर मी. अब मैं और ताकत से ग्राउंड में पॉलिटिकली शांति से मैं लड़ूंगा. इस इलेक्शन में मैंने किसी के खिलाफ एक नेगेटिव बात नहीं किया है, मैंने पॉजिटिव कैंपेन लड़ा है. आज मेरे ऊपर ही अटैक हो रहा है. आज अगर SDM अपना ऑफिस बंद नहीं करता तो आज शायद मैं यहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं देता. लोगों ने ये भी बोला है कि राउंड्स ऑफ फायर शॉट्स ऑफ फायर, मैं ओपनली कॉरोबरेट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ में मेरे लोग ने कहा कि राउंड्स ऑफ ओपनली फायर, सिक्स राउंड्स,
ये लोग प्री प्लान्ड आए, इनको जो करना है, लेकिन ये मुझे नहीं देना सकते। आई एम टेलिंग द मीडिया अगेन कि जो भी हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। मैंने सीएम से खुद भी बात किया, सीएम ने खुद कहा है कि ये गलत बात हुआ है। मैं इसमें सिर्फ ये बोल रहा हूं, जिसने कानून को तोड़ा है वो उनका माए बाप एमएलए हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ अरेस्ट होना चाहिए। अभी तक एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ, आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा, मैंने खुद लाइव किया, पुलिस सामने खड़ा है, ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक आदमी अरेस्ट नहीं। तो ये क्या हो रहा है? और मैं तभी भी नेगेटिव कैंपेन में नहीं जाऊंगा, मैं आज भी सीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आज भी डीजीपी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका खुद से फोन आया था। लेकिन मैं एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति को ओपनली बोलना चाहता हूं, आप मेरे खिलाफ कुछ भी बोल दे असेंबली में या एसडीएम ऑफिस में अपने गुंडे को भेजकर, प्रद्युत विक्रम माणिक्य इज रेडी फॉर अ चैलेंज, आना है तो खुले मैदान में हमसे इलेक्शन में लड़ो, मैं देखता हूं दूध का दूध पानी का पानी होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी राइट नाउ। आई वांट टू आल्सो गो एंड रिलैक्स, आई एम वेरी अपसेट, आई एम वेरी हर्ट दैट दिस कैन हैपन टू पीपल लाइक अस, बट इट्स ओके। आई एम अपीलिंग टू एवरीवन टू कीप काम एंड नॉट रिएक्ट, डू नॉट टेक लॉ इन टू योर हैंड्स। द बेस्ट आंसर इज टुमारो व्हेन वी विन द इलेक्शन, डू नॉट टेक लॉ इन टू योर हैंड्स। कीजिए, ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो और रियल इशू कोई बात नहीं करे, कोई ड्रग्स के बारे बात नहीं करे, कोई माफिया गिरी के बारे बात नहीं करे, मैं ओपन बॉर्डर जो चल रहा है बांग्लादेश में उसके बारे बात नहीं करे, मैं उसी के बारे बात करूंगा। आप देखिए, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर मीडिया से कोई क्वेश्चन, आई थिंक वो घबराए हुए हैं। इलेक्शन डे में आपने देखा कैसा रिगिंग करने की कोशिश हुई उसी एरिया में भी, और आज आप ये देखें, अगर मैं फेसबुक लाइव नहीं करता तो किसी को मालूम नहीं होता क्या हो रहा है, और अगर ये मेरे साथ हो सकता तो चंदन इट कैन हैपन टू एनीबडी। मैं वहां में सिर्फ, हम लोग चार लोग गए, चार या पांच लोग, वो लोग पूरा रेडी थे, और आप एसडीएम का खुद रिपोर्ट देखिए, आप पुलिस का खुद बयान देखिए क्या हुआ, और डीजीपी ने मुझे बोला है कि वो देखेंगे मैं मामला को। आई हैव फुल फेथ इन द डीजीपी, इज अ ऑनरेबल मैन, बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यू आल्सो बिलीव दिस वाज अ फेलियर ऑन पार्ट ऑफ पुलिस एंड यू सीक द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल पोस्ट व्हाइल द काउंटिंग? इट इज एब्सोल्युटली अ फेलियर इन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सीसीटीवी कैमरा से दे स्टैंडिंग दे, पुलिस का डंडा लेकर वो अंदर घुसे, एसडीएम का ऑफिस को बाहर से लॉक कर दिया। इफ द एसडीएम ऑफ त्रिपुरा इज नॉट सेफ, हाउ आर यू गोइंग टू डू काउंटिंग इन दैट एरिया? हाउ आर द एवरेज कॉमन पर्सन सेफ? इट इज वेरी क्लियर, एंड इफ आई हैड नॉट डन दैट लाइव वीडियो नोबडी वुड हैव नोन। कौन सी पार्टी से कौन किया उसको पता चला? देखो, मैंने हमेशा ये कहा है कि गुंडा का कोई पार्टी नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। यही गुंडे लोग एक टाइम कांग्रेस में थे, तब सीपीएम आए तो सीपीएम के संग गए, आज बीजेपी में, कल अगर कोई और आएगा तो वहां भी जाएगा। लेकिन ये गुंडे लोग वही लोग हैं जो एमएलए का पेटनेज लेते हैं पिछले 15-20 साल से। ये पुलिस को करना है, इलेक्शन अब तक शांति मोरल शांति से गया, बारिंग वोटिंग डे में जो हुआ, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में पहले से भी 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुका है। ये जो आज मैं पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अकेली बोलना चाहता हूं कि एक दो व्यक्ति हैं जो मुझे पर्सनली खत्म करना चाहते हैं, और वो आदमी या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले या गुंडागर्दी में करे, मैं नहीं करने वाला। आई नो एग्जैक्टली, आप लोग सब जानते हैं कि ये आदमी कौन है या इनके लोग कौन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन। सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं?
वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन माई सिक्योरिटी. बट आई थिंक मोर देन माई सिक्योरिटी, आई थिंक द अरेस्ट ऑफ गुंडा क्रिमिनल्स माफियाज, मुझे दो बॉडीगार्ड, तीन बॉडीगार्ड, दस बॉडीगार्ड देने से कुछ नहीं होगा. पहले जिसने तोड़फोड़ किया है, जिसने ये शुरू किया प्रॉब्लम, उनको अरेस्ट करिए. क्योंकि अगर आज मैं हूँ, कल कोई और होगा. इसके लिए मैं कहता हूँ कि क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जात नहीं होता, धर्म नहीं होता. ये क्रिमिनल्स वहीं में जाते हैं जहाँ में उनको प्रोटेक्शन मिलता है. आज प्रोटेक्शन कोई नेता दे रहा है, इसके लिए आज उनके साथ है. कल कोई और आएगा तो वहीं में जाएगा. महाराज, आप खुद SDM ऑफिस में अटैक हुआ, तो SDM ऑफिस एक सब डिविजन का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इस विषय में आपका लॉ एंड ऑर्डर से क्या मतलब है? ये जो आज हुआ है, ये बहुत दुख लगता है. SDM मेरे सामने अपने फैमिली को फोन करके बोल रहा था कि अगर कुछ हो गया तो मैं. ये 2021 में आपने मेरा पूरा कैंपेन देखा, मैंने पूरे कैंपेन में एक आदमी को कुछ नहीं कहा. इन लोगों का पूरा कैंपेन ही नफरत में है. किसी को पर्सनली अटैक करो, किसी को वहां में अटैक करो. मैंने आज तक एक शब्द मानिक सरकार के खिलाफ नहीं बोला पूरे कैंपेन में. मैंने आज तक एक शब्द हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बोला, NC देवर्मा मेवार के बारे में नहीं बोला. लेकिन एक व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करते रहता है, और आज आपने जो देखा है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पुलिस तो था वहां, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस को भी लगता है, लोकल लेवल में, मैं हायर लेवल में नहीं बोल रहा हूं, DGP के लेवल में नहीं बोल रहा, लोकल लेवल कि उनको प्रोटेक्शन है उनके नेता से. क्राइम क्यों बढ़ता है जब सबको लगता है कि उनका जो ऊपर अन्न आता है, लीडर है, वही उनको प्रोटेक्शन कर रहे. क्लियर बात है? जब आदमी लोग डर जाते हैं ना तो गलती करते हैं. When they are scared, na, then that's when they do this. अगर इन लोग इलेक्शन जीते तो उनको क्या करता है? मैंने क्या किया उनके खिलाफ? मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी उनके साथ? मैंने किसी को गाली धमकी देकर मैं अंदर गया? मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर में, तो क्यों किया? किसी ने पैसा दिया इनको? इन्हों तो किराए के चट्टू है ना, कोई पैसा दे तो कहीं में कुछ किसी को मैं मार कर पीट दे. इसके लिए मैं कहता हूँ कि इनका कोई जात धर्म पार्टी नहीं होता. ये लोग हायर क्रिमिनल्स हैं. इनको जब तक हम लोग के पॉलिटिशियंस लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करते रहेंगे, त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं रहेगा. ना BJP का कोई सेफ रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना त्रिपुरा मथा का, IPFT का, CPM का, कोई सेफ नहीं रहेगा. क्योंकि ये लोग पैसा देकर क्राइम करते हैं. कल काउंटिंग है, आज ऐसी घटना घटी, कल भी ऐसा घटना घट सकता है. इसके लिए मैं प्रेस से बोल रहा हूँ, और मैंने DGP से भी बात किया, मैंने CM से बात किया. मैं फिर से अपील करता हूँ कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए. अगर आज कुछ और उल्टा हो जाता, आज अगर मुझे कुछ हो जाता, तो क्या रिएक्शन होता? मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में दंगा, मैं एकदम नहीं चाहता. और जो करना चाहते वो चाहते हैं कि कुछ हो, तब रियल इश्यू में कोई बात नहीं करे, टेंशन क्लियर अप हो. इसी के लिए मैं आपसे फिर से आपके थ्रू बोल रहा हूँ कि इतना मोथा को, जो भी हमारे लोग हैं, आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए. ये लोग चाहते हैं कि कुछ उल्टा हो. हम लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ऐसे ही जीत रहे हैं. ये लोग चाहते हैं कि रियल इशू में बात ना हो और जाति धर्म में बात हो. मैं ये नहीं चाहता. I want peace and I want action to be taken against these criminals. And I want accountability. Tomorrow, if there is again violence, then you will see that how long will we tell people to be quiet? Counting in a social media mein dekha. Aaj maine agar Facebook live nahi kiya hota, how would you all know? Police is telling me, aapko safe rakhna hai. Main bol raha hu, unko arrest karo. जो गुंडागर्दी कर रहा है उनको अरेस्ट करो. पुलिस बोला नहीं नहीं आपको सेव रखना. अरे उनको क्यों नहीं अरेस्ट? वो तो SDM के ऑफिस हमारे सामने तोड़ रहे. पुलिस का काम है VIP को सिर्फ सेफ रखना या गुंडे को पकड़ना. मुझे लगता है कि पहला काम होता है पुलिस का गुंडा को पकड़ना. सर, क्या कहा उसने? कहा है कि वो बहुत चिंतित है
उसने कहा कि वो कंसर्न है, उसने मेरा हाल चाल पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उसने कहा कि वो इसमें पूरा सख्त से कार्रवाई करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे, डीजीपी का भी फुल फोन आया। और मुझे इसमें कोई पर्सनल कमेंट करने का दरकार नहीं है। सीएम का फोन आया था, उसने मेरा हाल चाल पूछा, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। आप फोन क्या था? मैं नहीं, फोन नहीं किया, उन्होंने टर्न का फोन आया था।